वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में कंफर्म ट्रेन टिकट बुकिंग एप्लीकेशंस के ओटीपी नहीं आ रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में इस एप्लीकेशंस के ओटीपी नहीं आ रहे और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पर जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करेंगे फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा ऐप का, ऐप पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऐप पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपके मोबाइल में जो भी ऐप रहेगी वो आ जाएगी। सिंपली से आपको कंफर्म ट्रेन टिकट बुक ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, एक ऑप्शन आएगा क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का डाटा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन और आएगा ऐप परमिशन का, ऐप परमिशन पर सिंपली ऐसे आपको क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन आएगी SMS की परमिशन, परमिशन को सिंपली ऐसे आपको अलाउ कर देना है। जैसे इस परमिशन को सिंपली ऐसे अलाउ कर देंगे उसके बाद में इस एप्लीकेशन के OTP रहेंगे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके भी मोबाइल में इस एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार पर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।